और शू हेलो दोस्तों, एसपीएस मुसाफिरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं भाई। आप सबका दोस्त साहिल भाई, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना भाई। दिल से यही दुआ है आप सभी के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए जो है कि दिल से दुआ है से आप लोग सेफ रहें और आप लोग हमेशा तंदुरुस्त रहें। बात करने की भाई बातचीत ऐसी है भाई, कई हजार साल हो गए हैं आप लोग से बातचीत करे हुए, काफी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा और अब जो है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है, आप लोग को पता है आज है 17 तारीख और कल से है 18 तारीख, यानी कि कल से हम अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये मेरे मन में ख्याल आया, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा था तो मेरे मन में ख्याल ये आया यार से मैं काम क्या करता हूँ, कल से मैं जाऊंगा कहाँ पे। मतलब कैमरे को देख कर और अपनी वीडियो को देख देख कर मुझे लगता है शायद मैं वीडियो ही बनाता था। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा है। इससे पिछली से पिछली वीडियो में देखा था, मेरे बर्थडे वाली वीडियो में से मुझे गिफ्ट में ये कैमरा मिला था, कैनन का M50। वीडियो में हम चेक करेंगे कैमरा वीडियो शूट के बारे में और मुझे इसकी नॉलेज नहीं है चलाने की। अगर आप में से किसी भी व्यूवर्स या मेरे सब्सक्राइबर को उसको यूज़ करना आता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट के अंदर में। फिलहाल भाई तो भाई कल से हम अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद जाएंगे हम अपने अपने काम पे। और काम पे जाने वाली बात ऐसी है भाई, कई लोग मेरे से मतलब जो है कि सवाल करते थे पहले, पिछली कई वीडियो में मुझसे पूछा है तो साहिल जी आप इसके अलावा वीडियो शूट के अलावा क्या काम करते हो। तो भाई कल वो उन लोगों को जवाब भी दे दूंगा से मैं क्या काम करता हूँ, उन लोगों को पता भी लग जाएगा। फिलहाल हम अपने अपने ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाने के लिए हमें यंत्र की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वाहन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए हमें ये सब तो चाहिए चाहिए। तो आप लोग अगर मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले ही मैंने एक गाड़ी खरीदी थी मारुति स्विफ्ट की, वो गाड़ी भाई घर के बाहर खड़ी है। कुछ टाइम पहले मैंने उस पर ध्यान अगर नहीं दिया होता तो वैसे वो मेरी नई की नई गाड़ी है ना बैन बच चुकी होती, मतलब सच बता रहा हूँ वो कूड़ा हो चुकी होती, मतलब समझ लो ख़त्म हो चुकी होती। उसके क्रोमो पे ना मतलब पानी की वजह से कभी बारिश हो रही थी कभी कुछ हो रहा था, उसके क्रोम तक पे जो है कि निशान आने चालू हो गए थे। लेकिन मैंने उसके साथ ट्रीटमेंट चालू कर दिया था और वो मतलब सही है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर भी काफ़ी सारी स्मेल आ रही थी, उसकी स्मेल को भी मैंने हमने एक चीज़ से गायब किया था, वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे अपनी गाड़ी के अंदर जो स्मेल आ गई है उसे कैसे ख़त्म करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है। तो फिलहाल भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। आज हम सीखेंगे अपनी गाड़ी को खुद वॉश कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर में, और मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 लीटर पानी के अंदर में पूरी की पूरी आपकी गाड़ी वॉश हो जाएगी और कम से कम टाइम लगेगा और मेहनत भी काफ़ी कम है भाई साहब। पता भी नहीं लगेगा आपकी गाड़ी वॉश कब हो गई, मतलब कुछ भी नहीं आपको पता लगेगा। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक सर्विस पंप खरीदा था जो मुझे लगा था यार से मतलब हमेशा हर हफ्ते में मैं 200 300 400 500 रुपए मतलब हमेशा जो है कि वॉशिंग के लिए वो चीज़ को देखते हुए मैंने खरीदा था। वो सर्विस तो मैंने खरीद तो लिया था पर टाइम की वजह से मैं यूज़ नहीं कर पाया था। तो वो मौका आज मुझे मिला है, आज हम अपने गाड़ी को खुद वॉश करेंगे। तो फटाफट चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को गाड़ी को हम कैसे वॉश करेंगे। तो हम डायरेक्ट अपने इस कैमरे को वहीं ले कर चलते हैं। ये है हमारा पंप और ये है भाई 20 लीटर पानी, ये वाला तुमने गलत लगाया। और ये पाइप को लगा देंगे इसमें, और ये लगा देंगे 4 सेंसर। जहाँ मैं पंप चलाऊँ तो आपने तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है जब तक ये सूखेगा और पानी मार दे रहा है हमें।
ये आ गया हमारा कैमरा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई, हमारी सर्विस प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। ये देखो गाड़ी चमक रही है भाई साहब, जबरदस्त। पूरे पे मान लो ना। और हमारे भाई साहब दिख रहे हैं, भाई भी अपने गजब चमक गई गाड़ी। तो आजा भाई आजा। ओ तो अब हटा देना चाहिए मास्क को, हम अपने गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो बात ऐसी है भाई साहब, भाई थोड़ा सा एक्चुअल में यार कैमरे को चलाने में परेशानी हो रही है, कहाँ पे रखना है नहीं रखना है कुछ पता नहीं लगता। तो फिलहाल जो है कि भाई अंकुश ने मेरा कैमरा पकड़ लिया है, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी, गायब भी हो गया बिल्कुल, फ्रेम में तो आ ही नहीं रहा वो कहीं भी। तो बात ऐसी है, तो हमने 40 लीटर पानी के अंदर में गाड़ी को वॉश कर लिया। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात पता क्या लगी मुझे, सबसे अच्छी बात ये लगी सर भाई साहब, इस गाड़ी में मुझे ना कपड़ा मारने की रफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब इतना तगड़ा प्रेशर है इस मशीन का, इतना तगड़ा प्रेशर देखा ही था आप लोगों ने सर। मतलब कुछ नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा सर्फ वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह घोल के स्प्रे कर दो, ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और उसके बाद नॉर्मल पानी प्रेशर मार दो, गाड़ी भाई साहब यूं चमक जाती है। मैंने कपड़ा तक नहीं मारा, देखा आप लोगों ने, बिना कपड़े मारे ही जो है कि मेरी गाड़ी है ना जबरदस्त चमक गई। क्या है आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा नहीं पाया, हुआ क्या था मेरे साथ, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी तो उसमें जो है कि मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो वो स्टार्ट ना होने के कारण ये है एक्चुअली में क्या, कई टाइम से गाड़ी हमारी बंद पड़ी हुई है। तो बंद करने के कारण क्या होता है, जो उसका फ्यूल वाला जो पाइप होता है ना जिससे पेट्रोल आता है, वो पाइप सूख जाता है क्योंकि इतनी धूप इतनी गर्मी है। तो अगर कभी भी आप लोग की गाड़ी अगर मान लो महीने दो महीने तीन महीने चार महीने बाद अगर आप लोग की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपको पता क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, गाड़ी का जो इग्निशन का स्विच होता है, जो चाबी होती है, उसको आपको बंद चालू फिर बंद फिर चालू, उससे होता क्या है, जो हम बंद चालू करते हैं उससे ऑटोमेटिक जो इसके पेट्रोल के टंकी में जो एक पंप होता है जो पेट्रोल को आगे पास करता है वो ऑन ऑफ करता है। तो प्रेशर के साथ जो है कि इसके अंदर जो कार्बोरेटर जहां इंजन तक होता है वहां तक पेट्रोल पहुंचता है, क्योंकि सोचो पेट्रोल की टंकी पीछे होती है, इंजन इसका आगे होता है। तो वहां तक यार दो महीने तीन महीने चार महीने पूरे 50 दिन हो चुके थे भाई, तो मतलब कहाँ वहाँ तक पेट्रोल होगा, सूख गया होगा। तो इस चक्कर में स्टार्ट नहीं होती, मैं तो यार घबरा गया, पता नहीं क्या धक्का मारना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ने ट्रिक आजमा के अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर ली। एक बेस्ट तरीका है चूहों से और स्मेल से बचने का, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है आपको, बहुत ईजिली तरीका। थोड़ा सा एंगल को चेंज कर लेते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है, सिंपल सा तरीका क्या है बॉस, आप लोग को बस कुछ कपूर की गोलियां लेनी है और आपको इंजन की तरफ पीछे वाले हिस्से में, मतलब जो पीछे डिग्गी है उसके अंदर में, मतलब इन सब जगह पे कुछ कपूर की गोलियां गेर देनी है। और फोकस एक बात है भाई, इस कैमरे की बात तो अलग, ये है कपूर की गोलियां छोटे छोटे दाने की तरह, तो आपको कुछ नहीं करना है, गोली एक खानी नहीं है इसको, दो गोली यहाँ गेर दो, मतलब दो गोली यहाँ गेर दो, ठीक है।
दो गोली इधर घेर दो, मतलब और दो गोलियां एक तो घेर रखी है इधर घेर दो, दो पीछे की तरफ फेंक दो ऐसे और ऐसे और एक और फेंक दो बस, ठीक है। और सीट पे जहाँ बैठे हो वहाँ भी डाल दो और यहाँ भी डाल दो, एक गोली इधर फेंको, ठीक है, एक गोली यहाँ भी रख दो। इससे मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होगा, होने का क्या है, एक्चुअली में जब ये स्मेल करता है ना तो चूहे या कोई भी, मतलब यहाँ भी रख दो कोई भी जो, मतलब जो कह सकते हो चूहे हो या कोई और कीड़े मकोड़े हो, इसे स्मेल से नहीं आता और गाड़ी के अंदर में खुशबू बनी रहेगी जबरदस्त वाली। तो हमने इस तरीके से अंकुश कह रहा है हाथों में से भी खुशबू आ रही है। तो बात ऐसी थी, बात घर के जैसी थी, तो हमने सारा काम जो है कि कंप्लीट कर दिया अपना बढ़िया तरीके से। लेकिन मुझे पता है क्या है, सब चीज़ों में से ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। वो अच्छी क्या लगी है, मुझे पंप का मतलब जो रोल था ना, जबरदस्त वाला रोल था, मतलब बिना मेहनत के ना मतलब गाड़ी मेरी यूँ चमक गई। तो फिलहाल भाई आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना सर आज आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ भाई, अब धीरे धीरे कोशिश करता रहूँगा से वीडियो डालूँगा, हमेशा कहता हूँ पर कर नहीं पाता भाई, पर इस बार कोशिश है क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग के लिए और पूरा सेटअप तैयार कर रहा हूँ भाई साहब। M50 भी आ गया मेरे पास, मतलब बस एक कैमरा और लेना है, वो लेना है मुझे ड्रोन, पर ड्रोन लूँगा, ये तो गिफ्ट में आ गया, शायद ड्रोन भी आ जाए कभी गिफ्ट में, इस बार तो नहीं अगले बर्थडे पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। और हाँ, आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो अब आने वाली है वो आएगी मोटर ब्लॉग के ऊपर, मैं थोड़ी सी छोटी सी एक राइड करूँगा। राइड क्या करूँगा, मतलब कल जो है कि मतलब अगली वीडियो में हम बाइक निकालेंगे अपनी, बाइक को भी वॉश करेंगे बढ़िया तरीके से, कॉन्फिडेंस में वो भी खड़ी है, और बाइक को निकालने के बाद फिर हम चलेंगे, कल हम अपने ऑफिस जाएंगे और मैं आप लोगों को अपना ऑफिस दिखाऊंगा, जो मेरा एक छोटा सा खुद का ऑफिस है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। भगवान जन्म, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, सब प्रभु की माया है ऊपर वाले की। ये भाई साहब कोई जो है कि सैनिटाइजर लगा के गिनती कर रहा है और कोई जो है कि पुराने वाला स्टाइल, पर ये वाला स्टाइल बंद करना पड़ेगा नहीं तो सजा हो जाएगी। हाँ, इस वाले को तो सजा है। फिलहाल अब इस वीडियो को हम यही एंड कर देते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और सब्सक्राइब के साइड में ही बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबाना, उस दबाने से एक पता क्या होगा, एक नोटिफिकेशन होगी, उस नोटिफिकेशन से ये होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आप लोगों के पास वो वीडियो सबसे पहले आएगी। ऐसा ही कुछ है ना भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही कुछ है। तो फिलहाल चलो इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम 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 बूम।